टीवी पर इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन गई है जाह्नवी की ये टेढ़ी हंसी। जी हाँ, जाह्नवी की यही कातिल हंसी अब ऑडियंस की क्यूरियोसिटी को और बढ़ा रही है कि आखिर सर्वगुण संपन्न में उनके खूंखार होने की हद कहाँ तक जाएगी। वैसे अभी तक तो आपने टीवी पर बहुत सी वैम्प्स को देखा होगा, जैसे कोमोलिका, रमला सिकंद और सिंदूरा। ये सभी वैम्प्स अपनी अपनी किसी न किसी स्टाइल को लेकर ही आज तक फेमस हैं। लेकिन जाह्नवी बनी श्रेणु की एक खूंखार मुस्कुराहट, सीरियल एक भ्रम सर्वगुण संपन्न को लेकर कुछ अलग ही तरह का सस्पेंस क्रिएट कर रही है। या यूं मानिए कि श्रेणु की ये हंसी टीवी की दुनिया में अब एक अलग ट्रेंड सेट कर रही है। आपको बताना चाहेंगे कि किसी भी शो में मेकर्स अपने विलेन के बॉडी जेस्चर पर खूब काम करते हैं ताकि उनका विलेन सबसे अनोखा और सबसे अलग दिखे। ऐसे में अब श्रेणु की ये हंसी देखकर भी ऐसा लग रहा है कि उनके इस बॉडी जेस्चर पर भी मेकर्स ने काफी काम किया है और उन्हें भी इसे लेकर कई तरह के लुक टेस्ट देने को कहा गया होगा। और फिर जब श्रेणु ने इस तरह आईब्रो उठाकर स्माइल किया होगा तो उनका ये अंदाज यकीनन मेकर्स को भी ट्रिगरिंग लगा हो। और अब जैसा कि हम शो के हर प्रोमो में देख ही रहे हैं कि श्रेणु ये हंसी दिखा रही हैं। पहले तो वो प्रोमो में काफी आदर्श बहू जैसी नजर आती हैं, लेकिन फिर प्रोमो के आखिर में उनकी ये हंसी ऑडियंस को चौंका देती है। अब श्रेणु की इस बॉडी जेस्चर को देखकर लग रहा है कि उन्होंने इस हंसी के जरिए कोशिश की है कि एक बहू उतनी सिंपल नहीं हो सकती जितना लोग उसे समझ रहे हैं, बल्कि ये किरदार काफी खतरनाक है। हालांकि जाह्नवी की इस टेढ़ी हंसी के पीछे कौन कौन से रहस्य छिपे हैं ये तो देखने वाली बात रहेगी, लेकिन जब तक ये शो ऑन एयर नहीं होता तब तक जाह्नवी की ये हंसी यकीनन ऑडियंस के बीच उत्सुकता बनाए रखेगी। बात करें अगर श्रेणु की, तो अब तक श्रेणु ने कई टीवी शोज में काम किया है और इन सभी शोज में श्रेणु का काफी स्वीट एंड सिंपल अंदाज ही देखने को मिला। इश्कबाज में श्रेणु जहां सीधी सादी गौरी बनी थी, तो वहीं इस प्यार को क्या नाम दूं 3 में आस्था बनकर उन्होंने दिल जीता। लेकिन ये पहली बार है जब आदर्श बहू के एक अलग ही अवतार में दिखेंगे श्रेणु। तो देखते हैं कि कैसे एक सर्वगुण संपन्न बहू अचानक से विलन बनेगी। मगर फिलहाल जाह्नवी की इस कातिल हंसी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, इस पर अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए।